टोणी देवी के मंदिर परिसर में सुजानपुर मंडल द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सुजानपुर भाजपा मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में टिप्स दिए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भाजपा सदस्यों को जानकारी मुहैया करवाई। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा में राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार करने पर कड़ी निंदा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सत्र में विषयों पर चर्चा होती है, इसलिए सत्र में सभी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन जो कल घटित हुआ वो निंदनीय है। राज्यपाल का रास्ता रोकने का अर्थ संविधान का रास्ता रोकना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने जोश में क्या कर डाला। इसलिए धूमल ने नेताओं से आग्रह किया कि वे इस व्यवहार को लेकर माफी मांगे। कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में जो कुछ घटा है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सारे देश में इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ चर्चा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, लोकतांत्रिक ढंग से चर्चा होती है, सभी माननीय सदस्य बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात रखते हैं, पर जो कुछ कल हुआ वो शर्मनाक है। राज्यपाल का रास्ता रोकना या गाड़ी रोकने का अर्थ है संविधान का रास्ता रोकना, और संविधान के प्रतीक रक्षक होते हैं राज्यपाल किसी भी राज्य में। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विवेचन करना चाहिए, और जिन लोगों ने गलत काम किया है उन्हें भी आज अनुभूति होगी अपना वीडियो देखकर कि उन्होंने जोश में क्या कर डाला। मेरा आग्रह रहेगा सबसे कि आत्मविवेचन करें, अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करें और विधानसभा के ऊंचे स्तर को बनाए रखने के लिए फिर से ईमानदारी से लगें। राज्यपाल के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव तो पास करेंगे ही, उससे पहले उनके साथ जो कुछ घटा है उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव के शंखनाद पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया कि 5 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और 5 राज्यों में शानदार प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एक समान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में डटा है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, अर्थात कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। समय समय पर विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। इस बार प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण शिविर हमारा 2 दिन धर्मशाला में हुआ और उसके बाद संसदीय क्षेत्र के अनुसार हमीरपुर, मंडी, शिमला, कांगड़ा के प्रशिक्षण शिविर हुए। अब मंडल स्तर पर सारे प्रदेश में हो रहा है, सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुए हैं, बहुत जगह हो चुके हैं। इस मंडल का आज समाप्त हो जाएगा। अंततः 5 मार्च तक हम सब मंडलों में प्रशिक्षण शिविर लगा लेंगे और कार्यकर्ता सजग होकर, तेज होकर, प्रशिक्षित होकर ग्राम सभा से विधानसभा का जो लक्ष्य मिशन रिपीट रखा गया है उसको प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में उतर जाएंगे और पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। स्वागत है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेतृत्व इस काम में लगा है। हमें विश्वास है कि 5 राज्यों में हम जीतेंगे और सरकारें बनाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पश्चिमी बंगाल में हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार होता है, सभी नेताओं को अपनी बात जनता तक पहुंचानी चाहिए, उसी के आधार पर जनता अपना मत प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर लाठियां चलाकर और बम चलाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा।
प्रयास बढ़ लेना चाहिए। डॉक्टर धर्मवीर एमरजेंसी के दिनों में, उसके बाद वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने जितना पढ़ना था पढ़ा, बहुत सारा छोड़ दिया था। और कल मैं सुन रहा था कांग्रेस के एक नेता का बयान कि पहले कल्याण सिंह ने नहीं पढ़ा, उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कल्याण सिंह तब राज्यपाल थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, इनके सत्ताकाल में नहीं पढ़ा गया। और एक कंपल्सरी नहीं होता ना किसी भी राज्यपाल के लिए पूरा अभिभाषण पढ़े, वो तो थोड़ा पढ़कर बाकी छोड़ सकते हैं। मेरा सबसे यही आग्रह है कि हिंसा से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, लोकतंत्र है, लोगों के पास जाओ, अपनी अपनी बात रखो, जिसको पसंद करेंगे उसको मत देंगे, और जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा। एक दूसरे पर लाठियाँ चलाकर, बम चलाकर, गोली चलाकर कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि किसी के सिर टूटेगा, किसी की जान जाएगी। लोकतंत्र में ये पद्धति किसी को स्वीकार नहीं होती और एक गलत ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए।